उन्होंने कल देखा था कि ना दोस्तों, जो हमारी एक डायमंड थी वो इधर स्टिक पर बैठी हुई थी बाहर आके, और एक जो थी उस जगह पर अपनी नेस्टिंग वाली जगह पर जाकर बैठी हुई थी अपने अंडों के करीब। और आज जो ना दोस्तों, ये जो हमारी दोनों ही डायमंड हैं, दोनों ही अपनी इस नेस्टिंग वाली जगह पर आ करके बैठी हुई हैं। वरना एक ना दोस्तों, काफ़ी दिन से जो हमारी एक डायमंड है वो इधर स्टिक पर बैठ रही थी और एक उधर बैठी हुई होती थी, और जब वो दूसरी वाली आकर बैठती थी इधर, तो जो हमारी पहले इधर होती थी बैठी हुई, वो जाकर दोबारा उधर बैठ जाती थी। और ये जो हमारी जेब्रा फिंच है, इनका तो दोस्तों ऐसा ही है कि जब वो वाइट वाली बाहर आती है जेब्रा फिंच, तो ये जो है ब्लैक वाली अक्सर अंदर चली जाती है। और ये देखें दोस्तों, वो उधर जाकर बैठ गई है, और ये वाली देखें दोस्तों, वाइट वाली बाहर आ गई है, स्टिक पर बैठ चुकी है इधर आकर। दोस्तों जो हमारे बेबी पैरट है ना, इनमें ना दोस्तों, एक जो बेबी पैरट है ना दोस्तों, वो बाहर ही नहीं आ रहा, उसको काफ़ी दिन हो चुके हैं, और वो काफ़ी दिन से ना उस दोस्तों मटकी के अंदर ही है, और पता नहीं उसको कितना टाइम लगे। और ये जो हमारे जितने बेबी पैरट, ये जो तीन और बेबी पैरट थे ना दोस्तों, ये जो पहले बाहर आ चुके थे अपनी अपनी मटकियों से, ये माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और ना दोस्तों, एक ये रहा बैठा हुआ बाहर, और एक ये रहा इधर बैठा हुआ, और ना दोस्तों एक जो है ना, वो कभी वापस अंदर चले जाता है, और ख़ुद ही वापस ना दोस्तों बाहर भी आ जाता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? दोस्तों जो हमारे कोकतल पैरट है ना, पहले खामोशी से होकर बैठे हुए करते थे, लेकिन ना दोस्तों माशाल्लाह से हमारे कोकतल पैरट ना बोलना भी शुरू हो चुके हैं। और ना दोस्तों देखें, अभी भी कितना अच्छा माशाल्लाह से बोल रहे हैं इधर बैठे हुए। और ना दोस्तों मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो हमारे दो कोकतल पैरट थे ना दोस्तों, दोनों ही के कलर जो है ना डिफरेंट हैं। एक जो है हमारा पीच कलर का है, और दूसरा जो है ना दोस्तों, ये ब्लैक कलर का है। तो ना दोस्तों मैं ये सोच रहा हूँ कि जो ब्लैक कलर का है ना, हम लोग ना दूसरा भी ना इसी ऐसा ही ले आते हैं ब्लैक कलर में, और जो हमारा पीच कलर वाला है ना दोस्तों, उसको हम चेंज करवा कर एक ब्लैक कलर का, जैसा हमारा ये एक कोकटेल पैरट है, इसी तरीके का हम ना दूसरा भी एक और कोकटेल पैरट ले आते हैं, और फिर ना दोस्तों हमारे बिल्कुल सेम हो जाएंगे दो ऐसे ब्लैक कलर वाले, और ये जो पीच वाला है ना दोस्तों, ये जो पीच कलर का है कोकटेल पैरट, इसको हम चेंज करवा लेंगे जा करके, और फिर उस जैसा ही हम लोग एक और ले आएंगे। दोस्तों ये वाला बेबी पैरट ना अभी अभी बाहर आया था, और वो दोबारा से अंदर चले गए। और वो जो दोस्तों एक बेबी पैरट अभी इस जगह पर इधर मटकी के ऊपर बैठा हुआ था ना, वाइट और ब्लू स्काई ब्लू सा जो था बेबी पैरट, वो भी ना दोस्तों इधर मटकी में जा करके बैठ गया। जैसे ना दोस्तों उसने जब इस वाले बेबी पैरट को देखा ना कि वो अंदर जाके बैठ रहा है, तो इतना दोस्तों वो भी वापस से ना मटकी के अंदर जाके बैठ गया। और अभी जो है ना दोस्तों, सिर्फ ये एक ही बेबी पैरट है जो बाहर है अपनी मटकियों से, और बाकी जो हमारे तीन बेबी पैरट है ना दोस्तों, वो भी मटकी में, एक इस वाली मटकी में, और बाकी जो हमारे दो बेबी पैरट हैं वो इसमें हैं। दोस्तों अभी जो वाइट वाली जेब्रा फिंच वो बाहर आई थी ना अपनी मटकी से, वो वापस है ना मटकी में जाके बैठ गई, और ये ब्लैक वाली जो जेब्रा फिंच है वो इधर स्टिक पर ही बैठी हुई है। और ये दोनों ना दोस्तों अब ये ज़्यादा टाइम ना अपनी नेस्टिंग वाली जगह पर ही बैठे रहते हैं, और ये दोस्तों बहुत कम टाइम ही आते हैं कि जो इधर आकर इधर स्टिक पर बैठते हैं, वरना ये दोनों ही ना दोस्तों ज़्यादा टाइम ना अपनी नेस्टिंग वाली जगह पर ही बैठे रहते हैं। दोस्तों आज काफ़ी दिन बाद ना हमारे जो पिजन्स केज के ऊपर जो हमारे कड़ी पत्ते का दरख्त है ना दोस्तों, इस पर हम देखते हैं कि इधर चिड़ियाएँ हैं या नहीं, वरना ना दोस्तों पहले काफ़ी सारी बैठी हुई होती थी। और ना दोस्तों अभी भी देखें माशाल्लाह से, अभी भी ना दोस्तों इस दरख्त के अंदर बैठी हुई हैं चिड़ियाएँ कुछ। और ना दोस्तों ये देखें दोस्तों, वो इधर भी जाकर बैठी हुई हैं, वो देखें दोस्तों वो बैठी हुई सामने, और कुछ जो है ना दोस्तों वो इधर पत्तों के अंदर ही छुपकर बैठी हुई हैं, और इधर ही दोस्तों वो घूम रही हैं। अब माशाल्लाह से दोस्तों दोबारा से इस दरख्त में आ गई हैं, वरना ना दोस्तों आप लोगों ने देखा था कभी पहले दोस्तों बहुत सारी दिख रही थी कि वो इस जगह पर पूरी जगह पर बैठी हुई थी, लेकिन ना काफ़ी दिन से वो नहीं दिख रही थी, लेकिन ना दोस्तों आज मैंने देखा है तो दोस्तों माशाल्लाह से वापस आ चुकी हैं हमारे सेटअप पर ही वापस, और अब दोस्तों इधर दरख्त के अंदर ही बैठी हुई हैं। पिजन्स आप लोगों को क्या हो गया कि आप लोग बिल्कुल खामोश होकर ही बैठे रहते हो? दोस्तों अपने इनकी आवाज़ भी नहीं आती है, और ये सारे के सारे ना अपनी अपनी जगहों पर ही ऐसे आराम से बैठे रहते हैं, वरना ना दोस्तों पहले ना इधर उधर उड़ रहे होते थे और आपस में ऐसे खेल रहे होते थे, लेकिन ना दोस्तों अब ये सारे के सारे जितने भी पिजन्स हैं ना, ये सब भी और ये सब भी है दोस्तों, सबके सब ना अपनी जगहों पर ही बस बैठे रहते हैं, और ज़्यादा टाइम ना दोस्तों हम अब किसी दिन ना इनको भी खोलेंगे, बाहर निकालेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से इनको बाहर भी नहीं निकाला है, तो इनको फिर बाहर भी निकालेंगे। और ना दोस्तों बस ये अभी बिल्कुल ही ऐसे बैठे रहते हैं जितने भी पिजन्स हैं। दोस्तों ये जो रानी और देसी चूज़ हैं ना हमारे, ये दोस्तों मुझे लग रहा है दोस्तों ये लोग अपने केज से बाहर निकलने की कोशिश इसलिए नहीं करते, क्योंकि ना दोस्तों अब इन लोगों को पता है कि ये जो इनकी रेड मिश्री का केज था ना दोस्तों, इसके अंदर हमारी रेड मिश्री और मिश्री चूज़ा था, तो जिससे ना दोस्तों रानी और देसी चूज़ा ना दोस्तों हमेशा फाइट करने के लिए रहते थे कि हम बस बाहर आए अपने केज से और रेड मिश्री और मिश्री चूज़ा से फाइट करें, तभी ना दोस्तों ये फिर रानी और देसी चूज़े ना अपने केज से बाहर आने की कोशिश करते थे। लेकिन ना दोस्तों जब से हमारी रेड मिश्री और मिश्री चूज़े चले गए ना सेटअप से,
तब से ही ना दोस्तों हमारी रानी और देसी चूजे ना अपने केज से बाहर आने की कोशिश ही नहीं करते, वरना ना दोस्तों पहले कितना ज़्यादा बाहर आने की कोशिश करते थे, लेकिन ना दोस्तों अब ये ज़्यादा टाइम अपने केज के अंदर ही बैठे रहते हैं, क्योंकि ना दोस्तों अब इनको पता है अब रेड मिस्री है नहीं इनके सेटअप पर, तो ये लोग फाइट किससे करेंगे, तो इसलिए अपना दोस्तों ये लोग अपने केज के अंदर ही बैठे रहते हैं ज़्यादा टाइम। दोस्तों मैं क्या सोच रहा हूँ, ये जो हमारी रेड मिस्री और मिसी चूजा है केज हुआ करता था, अब रेड मिस्री और मिसी चूजा तो है ही नहीं हमारे सेटअप पर, अब नहीं रहे वो हमारे सेटअप पर, तो ना दोस्तों इनका केज जो है ना खाली हो चुका है। अब ना दोस्तों मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग ना इस केज के अंदर ना जो हमारी रेड मिस्री का केज है इसके अंदर ना अब हम कोई नया बर्ड लेकर आ जाते हैं, तो ना दोस्तों आप लोगों ने कमेंट करके लाजमी बताना है कि हम रेड मिस्री के केज में क्या लेकर आएँ, तो ना दोस्तों फिर हम वही चीज़ लेकर आएँगे इस केज के लिए, ताकि फिर ना दोस्तों ये वाला जो केज है ना इसमें भी कोई नई चीज़ आ जाए और बर्ड आ जाए, ताकि ये भी ना दोस्तों अभी बिल्कुल खाली है, और जिस तरह ना दोस्तों फिर हमारी रानी जो है ना ये भी फिर बाहर निकलने की कोशिश किया करेगी, क्योंकि ना दोस्तों अभी रेड मिस्री है नहीं, तो ये अभी फ़ाइट का सोच ही नहीं रही है कि मैं किससे फ़ाइट करूँ, फिर ये भी ना दोस्तों बाहर निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन ना रानी अब जो भी चीज़ आएगी ना हमारी रेड मिस्री केज में आपने उससे फ़ाइट नहीं करनी है, और आपने उससे भी ना रानी फ्रेंडशिप कर लेनी है, ताकि ना आपको भी और वो जब नई चीज़ आने वाली है ना रेड मिस्री केज में उसको भी फिर हम साथ ही खोला करें और आप उससे फ्रेंडशिप कर लेना, फिर हम आपको भी ना उसी नई चीज़ के साथ ही खोला करेंगे जो अब नई चीज़ आने वाली है रेड मिस्री के केज में। तो बस दोस्तों आज की हमारी वीडियो इतनी, वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक भी लाजमी से कर दीजिएगा और हमारे चैनल पेट एनिमल्स एंड बर्ड्स को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।